इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। ये फागुन का महीना है और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव चल रहा है, लेकिन वैशाख नंदन गधा इस समय अनायासी प्रसंग में है, चर्चा में है। तो मुझे हिंदी कवि सम्मेलनों के आचार्य हास्य कवि स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य जी की ये बड़ी लोकश्रुत कविता याद आ गई। उन्होंने सैकड़ों बार मेरे सामने, हम सबके सामने इसका वाचन किया और हमने बड़े आनंद के साथ इस कविता का पाठ सुना, लेकिन कविता आज इतनी प्रासंगिक होगी ये बड़ा आश्चर्य। मैं आपको आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तो विस्की के मटके के मटके के मटके, मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूं, गधों की तरह झूमना चाहता हूं, और घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। क्या ओम प्रकाश आदित्य जी ने रचना लिखी, इसे कहते हैं आचार्य कवि का शिल्प। यहां आदमी की कहां कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में बोले वो कच्चा गधा है, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। इसीलिए मैंने धीमे से पढ़ी ये पंक्ति। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक गया हूँ, ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिनक में कहाँ बह गया हूँ, मुझे माफ करना, मैं भटका हुआ था, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था। इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है। तो वैशाख नंदन को स्वीकार करिएगा और इस फागुन के महापर्व को इसी अनहद बहते हुए ठर्रे के साथ आनंद लीजिएगा। जय महाकाल।